ये हमारे सामने खाटू श्याम जी की मूर्ति और ये भक्तों की कतार, ये मूर्ति बनी पड़ी है कितने सारे जने। ये रामायण का सीन है, पता है, समुंदर मंथन का सीन है। ऐसा मैंने वृंदावन में देखा था गोवर्धन पर्वत, सेम ऐसे ही देखो यहाँ पर भी बना रखा है श्री कृष्ण जी की मूर्ति, बाकी गोकुलवासी इस पर्वत के नीचे, ठीक है, और ऊपर से देखो पानी गिरा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे और आज हम घूमने जा रहे हैं खाटू श्याम दिल्ली वाले, ठीक है। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, बाकी और भी काफी ज्यादा लोग हैं, सबसे मिलवाएंगे। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना, बाकी मैं नहा धोके तैयार हो गया हूँ। और अभी का टाइम देखो, अभी 2:30 बज रहा है और चलते हैं यहाँ से। तुम लोग में आने तक बने रहना, आप लोग स्टार्ट करो। अभी दोस्तों अभी हम घर से निकल चुके हैं, बाकी मैं इधर और ये बाकी है सारी ये लोग ये रहे, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम और अभी चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं खाटू श्याम, बाकी ये लोग ये रहे, ठीक है, और बाकी लोग आए यहाँ पे। और ये देखो ये जस्ट इसके सामने यहाँ से एंट्री है, तो रुक जाओ इधर से जाना। आप लोग गेट देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री हो रही है जो है ना गेट, इसके ऊपर ये झंडे झंडे लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे जूता चप्पल जमा हो रहा है, देखो 776 नंबर हमारे जूते का। और इसके अंदर चलते फिर दिखाते हैं। तूने तो लिया था, सो अभी यहाँ से एंट्री। ये लाइन देखो आप एक बारी, खतरनाक लाइन लगी पड़ी है, देखो वहाँ तक, ये देखो ये लाइन है। अब यहाँ से लगा के जाना उधर से, इधर से जाने का। ये चरण बंधे हुए देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना चरण चिन्ह खाटू श्याम दिल्ली का प्रवेश द्वार, ये इसके अंदर अंदर चल गया। एक चीज है कि ना झंडे ना हर जगह लगे हुए हैं, इसके ऊपर देखो जहाँ पे लाइन लगी थी ना उसके ऊपर देखो पूरा झंडा ना, जहाँ तक ये लाइन जा रही है पूरे झंडे झंडा लगा हुआ है। देखो आप जहाँ तक नजर आपकी जा रही होगी वहाँ तक देखो झंडे झंडे लगे हुए हैं। इसी में ये मेडिकल विभाग भी है, मतलब सब चीज की सुविधा है भाई, जिसको जो हो जाए उस चीज की सुविधा है। अब इधर से लेफ्ट हैंड पे जाके अंदर, बहुत भीड़ है भाई। मैं तो ऐसे सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था कि मतलब जो राजस्थान में है उसमें ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन ये तो दिल्ली वाले में भी ज्यादा भीड़ है भाई। ऐसे कैसे हुआ कि पूछो मत। और जस्ट ये हमारे सामने खाटू श्याम जी की मूर्ति और ये भक्तों की कतार, लोगों के आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मेरे को ना ये सबसे अलग लगा, ऐसा पंखा जो कि आपने देखो कभी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा है ये। और देखो एक ही पंखा लगाओ, इसके अलावा कोई नहीं है, ये देख सकते हो आप चारों ओर कोई भी नहीं है, खाली एक ही ये पंखा लगाओ और बहुत तेज हवा। ये देखो यहाँ पे ना 800 किलो का दिल्ली का पहला घंटा, 800 किलो खाटू श्याम दिल्ली धाम
अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का दिल्ली का पहला घंटा, ये रहा। इसके अंदर ये लोग बजा रहे हैं, हम भी बजाते हैं 800 किलो का घंटा। ठीक है, अभी हम भी बजा के दिखाते हैं अभी आपको। तो लाइन लग रही है यहाँ पे, तो काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं। इधर शीतल जल, पीने वाला पानी, और बाकी ये लोग हाय करो। हाय, ओ भाई, सॉरी 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 सॉरी। ये देखो, अच्छा मैं दोस्तों उधर चला गया था पहले, शायद इधर आना था। ये देखो, इधर लाइन से गमले रखे हुए हैं कितनी शानदार तरीके से, और इधर ये हाथी की मूर्तियां बहुत अच्छी अच्छी। यहाँ पे लोगों ने दान किया हुआ, लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं। अंकल पूरा इधर का व्यू, इधर भी काफी देखो, इधर भी खाटू श्याम की एक मूर्ति है यहाँ पे जस्ट सामने हमारे। यहाँ पे पहले दर्शन करते हैं। इधर देखो, इधर पिंडी भी है, इधर काम भी चल रहा है, इधर बनाया ना। अलग अलग चीजों के देखो पुतले बने पड़े हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखो ट्रेन के देख सकते हैं। यहाँ पे इसको कलर भी किया जा रहा है, बाकी देखो तीन डब्बे इसके, एक दो ये तीन। यहाँ अभी इसकी रंगाई पुताई चल रही है। बाकी इधर देखो एक ये मूर्ति है, ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है जो लोग आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और ये जस्ट इसके साथ में देखो ये एक एरोप्लेन जो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये पुतले, इधर एरोप्लेन है। यहाँ देखो लाइटें भी लगी पड़ी हैं इसको अच्छा दिखने के लिए। देखो यहाँ पे भी है एक ये लाइट, एक वो लाइट इसको दिखाने के लिए। ये देखो, ये है बुद्ध भगवान की मूर्ति जस्ट बहुत सामने से। ये देखो बस, बहुत सारे लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। देखो वहाँ से चढ़ के आए, यहाँ से ये पूरा नजारा खाटू श्याम का। यहाँ पे भी ना ये मूर्ति बनी पड़ी है। हाँ, ये रामायण का सीन है, पता है, समुन्द्र मंथन का सीन है। और इधर देखो ये पत्थर पत्थर, और इधर काफी लोग कोई घर बना रहे हैं तो कोई क्या कर रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं, हम भी बनाते हैं इसके अंदर। गौशाला में अष्ट धातुओं की घंटी बजाकर 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद ले। तो चलो लेते हैं आशीर्वाद और फिर आते हैं। देखो इसके अंदर ये गायों को रख रखा है, इधर इनके चारा, इनका चारा, और काफी बहुत सारी गायें हैं। हाँ, बहुत अलग अलग तरह की गायें हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऐसी गाय हमारे इलाके में नहीं दिखती, देख रहे हो। इधर से जाने का है, हाँ 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 हाँ, इधर काम चल रहा है और हम इधर से निकल रहे हैं, देख रहे हो। इधर से आ जा पा रहे थे लोग, इधर से भी आ रहे हैं। और इधर जस्ट इसके सामने जैसा मैंने वृंदावन में देखा था गोवर्धन पर्वत, सेम वैसे ही देखो यहाँ पे भी बना रखा है। इसके आगे ये ग्रिल है, इसके हम उस पर जा नहीं सकते हैं। बाकी ये बाहर से देखो कितना सुंदर नज़ारा। इधर ये काफ़ी लोग देखो बाहर बाहर से ही लोग देख रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। और आप एक बार नज़ारा देखो दूर से, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये है श्री कृष्ण जी की मूर्ति, बाकी गोकुलवासी इस पर्वत के नीचे, ठीक है। और ऊपर से देखो पानी गिर रहा है, कितने बेहतर नज़ारा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आगे लेके चलते हैं।
इधर देखो, इधर ये मूर्तियाँ बना रखी पत्थरों से, बहुत मस्त दिख रहा। और अभी हम आए हैं दर्शन वर्शन करके, ये श्याम रस लिखा हुआ है, 10 रुपए चाय पीने के लिए आया। देखो इन भैया की ये छोटी सी शॉप, मैं दिखाता हूँ इधर आके, देखो तो फुल गांव वाली वो है फीलिंग, वो मिट्टी का बना हुआ है। खाटू श्याम जी की जय। अब पीछे चाय, यहाँ से हमने भी 50 रुपए प्रत्येक डिब्बा प्रसाद। भाई ये मेरा और भैया का, इनमें दो है, ये भाई का अकेले का मेरा। आओ चले दर्शन करके, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और बाकी हम आए थे दोपहर में और अभी हो गए शाम, ठीक है। आप लोग मौसम देख सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे दर्शन जल्दी करना चाहते हैं तो लाइन में ना लग के आप हमारी तरह सीधा जाके दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप लाइन में देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे कि मतलब आपको यहाँ पे मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप ये हम यहाँ पे लाइन लगा के जाते ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा 2 घंटा भी हमें और लग जाता, तो इसलिए अभी हम ऐसे ही गए तो काफ़ी ठीक था। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, अब आपसे मिलते हैं घर पे।